दोस्तों बॉलीवुड के लिए साल 2020 शायद सबसे बुरा साल रहा है। कई सितारे हमें अलविदा कह गए, पर जाते जाते हमारी आंखें भी खोल गईं कि बॉलीवुड में किस तरह से नेपोटिज्म या कहें कि गैंगिज्म चल रहा है। इस गैंगिज्म के ग्रुप में दोस्तों कई लोगों ने कई सितारों को फ्रेम किया है, जिसमें सबसे बड़ा नाम है दोस्तों सलमान खान का। सलमान खान के लिए दोस्तों ये साल बड़ी मुश्किलों से गुजर रहा है। इसलिए नहीं दोस्तों क्योंकि उन्हें फिल्मों की कमी है, इसलिए दोस्तों क्योंकि सुशांत मामले में उन्हें लोगों द्वारा फ्रेम किया जा रहा है। उनकी एक्स मैनेजर रेशमा शेट्टी से पुलिस ने इसी सिलसिले में 5 घंटे तक पूछताछ भी की थी, जिसके बाद ये पता चल रहा है दोस्तों कि जांच की आग सलमान को भी छू रही है। जिसकी वजह से दोस्तों वो लोग जो सलमान खान को पहले सिर्फ उनकी फिल्मों के लिए ही ट्रोल किया करते थे, अब वो उनके सोशल लाइफ को लेकर भी कई सवाल खड़े कर रहे हैं। सलमान अपने पनवेज के फार्म हाउस से सोशल मीडिया पर अलग अलग काम करते हुए तस्वीरें शेयर करते रहते हैं। हाल ही में दोस्तों वो खेतों में काम करते हुए नजर आए और खुद की मिट्टी से सनी हुई तस्वीर शेयर की। इस तस्वीर को दोस्तों सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए सलमान ने लिखा, सभी किसानों का सम्मान करो। इसी तस्वीर पर दोस्तों लोगों ने उन्हें अब ट्रोल कर दिया है। सबसे बड़ा मुद्दा ये बना कि सलमान के पूरे शरीर पर मिट्टी तो है, लेकिन हथेलियां एकदम सूखी है, इसलिए लोगों को ये एक फेक खेती वाली तस्वीर लगी। दोस्तों एक यूजर ने लिखा कि आपने अपने चेहरे पर मिट्टी लगा ली लेकिन अपने पैरों को भूल गए। वहीं दोस्तों दूसरे यूजर ने लिखा है कि मिट्टी शरीर पर लगा लेने से कोई किसान नहीं हो जाता, इसको समझाओ कोई। ऐसे किसानों का अपमान मत करो, वो मेहनत जरूर करते हैं, मिट्टी में जरूर रहते हैं, लेकिन कभी किसी का बुरा नहीं सोचते। ये बंदा ऐसे किसानों का अपमान कर रहा है, कभी खेत में धान लेकर फोटो क्लिक करवा रहा है, कभी ये ऐसा कर रहा है। दोस्तों यहाँ इस यूजर ने सलमान के इस फोटो को तो ट्रोल किया ही है, साथ ही उनकी दूसरी फोटो पर भी सवाल खड़े किए हैं, जिसमें वो खेत के बीच खड़े दिख रहे हैं। दोस्तों इस फोटो को शेयर करते हुए सलमान ने कैप्शन दिया है, दाने दाने पर लिखा होता है खाने वाले का नाम, जय जवान जय किसान। दोस्तों इस फोटो पर भी लोग उन्हें जमकर ट्रोल कर रहे हैं, उन्हें कह रहे हैं ना तो ये जवान है और ना ही ये किसान है। दोस्तों कई जाने माने सिनेमा से जुड़े जानकारों का मानना है कि बॉलीवुड में अब जल्द ही हम सबको एक नया बदलाव देखने को मिल सकता है। बॉलीवुड में जहां सिर्फ कुछ परिवार वालों का ही बोलबाला था, अब उन्हें लोग बॉयकॉट करना शुरू कर चुके हैं और रियल टैलेंट पर दर्शक अपनी निगाहें फोकस कर रहे हैं। जानकारों का मानना है दोस्तों कि ये बदलाव इसलिए भी देखने को मिल रहा है क्योंकि लोग अब सिर्फ भारत में बनी हुई सिनेमा को नहीं देख रहे हैं, बल्कि पूरे विश्व में जितनी भी अच्छी फिल्में बन रही हैं उन्हें देखने के बाद वो उन्हें बॉलीवुड की फिल्मों से कंपेयर कर रहे हैं, जिसके बाद उन्हें मालूम चल रहा है कि बॉलीवुड भले ही नोट की कमाई कर रहा हो, पर क्रिएटिविटी और अद्भुत फिल्मों को बनाने के मामले में बॉलीवुड बहुत पीछे है। उदाहरण के तौर पर दोस्तों सलमान खान एक टाइम पर अगर अपनी कोई भी फोटो शेयर करते थे तो लोग पागल हो जाते थे, उन्हें अपना आइडियल मानने लगते थे, पर जैसे जैसे दोस्तों उन्होंने अपनी फिल्मों को और दुनिया में मौजूद सारे एक्टर एक्ट्रेस डायरेक्टर का काम देखा, तो वही लोग जो सलमान को आइडियल मानते थे वो अब उन्हें ही ट्रोल कर रहे हैं। बहरहाल दोस्तों इस पूरे मामले पर आपकी क्या विचार है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल DHFF अड्डा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।